तो हजरत के दस्ते मुबारक से मुझे कुछ पैसे मिले थे सनद के तौर पर। आज अल्लाह का शुक्र है उसी नात को जहाँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ बड़ी दुआएं कामयाबी मुझे मिलती है। वो हजरत की दुआओं की बरकत है। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हजरत की मौजूदगी में फिर उसी नाते पाक को पढ़ूं और फिर अपनी जगह ले लूं। मुलाजा फरमाएं। अक्सर आपने सुनी होगी यूट्यूब के जरिए, जो हजरत पहली मर्तबा सुन रहे हैं उनको तो अच्छा लगेगा, जो सुन चुके हैं वो दोबारा सुन लीजिए। सुने, मैं मदीने जाऊं मौला, दिल दिल में ये अरमान है, दिल में ये अरमान है। मैं मदीने जाऊं मौला, दिल में ये अरमान है। मुझको है मुश्किल बहुत, तेरे लिए आसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे लिए आसान है। और ये शेर बहुत तरह खास मुलाजा फरमाए हजरत के, मेरा मौला हमारे बैठे हैं, दुआएं चाहता हूं कि ये शरफ हासिल है मुझको, हूं मैं आका का गुलाम, हूं मैं आका गुलाम। ये शरफ हासिल मुझको, ये शरफ हासिल दे मुझको, हूँ मैं आका का गुलाम। मेरे रब का मुझ पे ये सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ा एहसान है। मैं मदीने जाऊं मौला, दिल में ये अरमान है, दिल में ये अरमान है। आज आपके मदरसे ने भी दो हफाज़े किराम आपको दिए हैं, एक हाफिज आपको दिया है, उसी के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ के मेरा मौला बख्श देगा सात पीढ़ी के गुनाह, सात पीढ़ी के गुनाह। मेरा मौला बख्श देगा पीढ़ी के गुनाह, जिसके घर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान है, हाफिज़े कुरान है। मैं मदीने जाऊं मौला, दिल में ये अरमान है, दिल में ये अरमान है। शिर्क के जो नबी का हो गया सुन, बहुत शुक्रिया नौजवान भाई, अल्लाह सलामत रखे। जो नबी का हो गया समझो वो मेरा हो गया, समझो वो मेरा हो गया।
जो नबी का हो गया। जो नबी का हो गया सम जो वो मेरा हो गया। देख लो कुरान में ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। देख लो कुरान में ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। और बरकतें आएंगी घर में दिल से घर सजदे करो, दिल से घर सजदे करो। बरकतें आएंगी घर में सजदे करो। सबसे ये कहता है फैसल मेरा ये ईमान है, मेरा ये ईमान है। जाते जाते आखिर के चार में से देखिए, हमारे हजरत आज तशरीफ ला चुके हैं, ये हमारे खुशनसीबी है कि हम हजरत का दीदार कर रहे हैं। इसी हवाले से इस्तकबालिया चार में से